हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू सेशन। तो जैसे कि आपको पता है, हमारी अबेकस की सीरीज चल रही है, तो उसमें आज हम देखते हैं कि हम फाइव कॉम्प्लीमेंट्स तक पहुंच चुके हैं। वैसे तो टेंस कॉम्प्लीमेंट भी मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन फाइव कॉम्प्लीमेंट का ही कर दिया है। माइनस फाइव कॉम्प्लीमेंट और प्लस फाइव कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस क्या होता है, आज उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, दोनों चीजों को अगर हम साथ लेते हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है, कैसे सोल्व करेंगे, कैसे माइनस फाइव कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करेंगे और कैसे प्लस फाइव कॉम्प्लीमेंट, दोनों के दोनों संवाद साथ में लेके चलते हैं। तो बगैर कोई देरी किए सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हमारे क्या है, पॉजिटिव फाइव कॉम्प्लीमेंट्स है, ये है पॉजिटिव फाइव कॉम्प्लीमेंट्स और ये है नेगेटिव फाइव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देती हूं। इसमें क्या होता है, फाइव कॉम्प्लीमेंट जब पॉजिटिव नंबर होता है तो हमें क्या करना होता है, फाइव डाउन डाउन मूवमेंट होती है। सिर्फ इतना ध्यान रखो, फिर अपने आप दिमाग में हो जाएगा कि कौन सा प्लस करना है कौन सा माइनस करना है। जब भी हम पॉजिटिव फाइव कॉम्प्लीमेंट्स कब लगेगा, जब हम कोई नंबर एड कर रहे हैं और उसके लिए बिट्स नहीं है तो पॉजिटिव लगेगा, एड कर रहे हैं तो बिट्स नहीं है तो पॉजिटिव फाइव कॉम्प्लीमेंट, और जब हमारे पास माइनस कर रहे हैं हम और बिट्स नहीं है तो माइनस का कॉम्प्लीमेंट लगेगा फाइव। ठीक है, पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स में जो हमारी हैंड मूवमेंट होती है वो होती है डाउन डाउन, मीन्स अपर साइड में डाउन किया, अपर साइड तो हमारी फाइव बिट्स ही होती है, तो फाइव को अगर हम डाउन करते हैं तो वो वैल्यू बार के साथ में टच हो जाती है तो उससे उसकी वैल्यू एड होती है। जब भी कोई बिट्स हमारी वैल्यू बार की साइड जाएगी, ये जो वैल्यू बार वाली जो रोड है इसके साथ में जाएगी तो उसकी वैल्यू एड होगी, और जब भी इस वैल्यू बार से दूर जाएंगे बिट्स, ठीक है, तो वो वैल्यू हमारी क्या होंगी, सब्ट्रैक्ट होंगी। ठीक है, तो पॉजिटिव फाइव कॉम्प्लीमेंट में क्या हैंड मूवमेंट बनती है हमारी, डाउन डाउन। अब अपर साइड तो हमारी चलो फाइव डाउन कर दिया, नीचे जो नीचे वाली जो बिट्स हैं, मींस डाउन में जो बिट्स हैं उसमें किसको नीचे करना है, उसमें हमें क्या करना है, जो भी बिट्स हमने एड करने थे, मींस जो भी नंबर एड करना था और उसके लिए बिट्स अवेलेबल नहीं थे, तो उसी नंबर का हमें फ्रेंड देखना है और फ्रेंड को डाउन करना है। ठीक है, ऐसे ही नेगेटिव जो फाइव कॉम्प्लीमेंट होता है उसमें क्या करना होता है, हैंड मूवमेंट हमारी अप अप ऐसे होता है, अप अप। ठीक है, अब अप डाउन में से अप किसको करना है, जिस भी नंबर के लिए हमारे पास बिट्स अवेलेबल नहीं है, जिस नंबर को हम माइनस कर रहे हैं और उसके लिए बिट्स अवेलेबल नहीं है तो उसका फ्रेंड देखेंगे और फ्रेंड को अप करेंगे और फिर फाइव को भी अप कर देंगे। फाइव को अप करने का मतलब क्या है कि वो माइनस हो रखा है, और डाउन वाले बिट्स को अगर हम अप करते हैं तो वो यहाँ पे वैल्यू बार के साथ में जाएगी, मीन्स वो ऐड हो रही है। तो क्या मतलब हुआ, फ्रेंड को ऐड करेंगे और फाइव को माइनस करेंगे, और जो पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट था उसमें हमारी हैंड मूवमेंट थी डाउन डाउन, अपर बिट्स को डाउन करते हैं तो ये वैल्यू बार के साथ में टच होता है तो ये होता है हमारा ऐड, और जब हमारी कोई बिट्स यहाँ पे टच है इसको डाउन करते हैं तो ये होता है हमारा सबट्रैक्ट। जब भी वैल्यू बार से दूर बिट्स जाएगी तो वो सबट्रैक्ट बोला जाता है, जब भी वैल्यू बार के साथ में आएगी कोई चीज तो उसको ऐड बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस था। तो उसमें हमें क्या करना है, पॉजिटिव में हमारे हैंड मूवमेंट डाउन डाउन और नेगेटिव में अप अप, पहले फ्रेंड को अप करेंगे फिर फाइव को अप करेंगे, मींस फाइव रिमूव। ठीक है, ये था इसमें डिफरेंस। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड कुछ सब, टू टू वन माइनस वन, ये बात मैं डेली बताती हूँ कि जिसमें साइन नहीं होता उसको हमें ऐड करना होता है, जिसमें साइन होता है उसमें हमें माइनस करना होता है। ठीक है, सेम चीज बार बार रिपीट कर रही हूँ, आज फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। इसमें कोई साइन नहीं है, मींस ये ऐड होगा, इसमें भी कोई साइन नहीं है ये भी ऐड होगा, इसमें भी कोई साइन नहीं है ये भी ऐड होगा, इसमें साइन है माइनस तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो आज हम इसी रोड को यूज करेंगे, मेक टू, हैंड मूवमेंट देखना मैंने थंब का यूज किया है, अगेन प्लस टू, टू बिट्स अप, प्लस वन, वन बिट्स हमारे पास नहीं है तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम प्लस कर रहे हैं, तो प्लस में हैंड मूवमेंट सबसे पहले दिमाग में आनी चाहिए कि हैंड मूवमेंट हमारी क्या होगी, डाउन डाउन। तो वन का फ्रेंड क्या होता है, फोर, फाइव डाउन एंड फोर डाउन। ठीक है, माइनस वन, अब माइनस वन के लिए भी हमारे पास, क्योंकि डाउन में बिट्स होनी चाहिए तो माइनस वन के लिए बिट्स नहीं है तो हम क्या करेंगे, वन का फ्रेंड देखेंगे, वन का फ्रेंड फोर, इसके लिए क्या हैंड मूवमेंट होती है, अप अप, तो वन का फ्रेंड क्या होता है, फोर, तो फोर को अप करेंगे, फोर अप एंड फाइव अप, आंसर क्या है हमारा, फोर।
ये था हमारा फर्स्ट का आंसर. सेम ऐसे ही सेकंड. सबसे पहले टूल क्लियर करेंगे. मेक फाइव, फाइव बीट्स डाउन. फिंगर यूज करने हैं इंडेक्स फिंगर. अपर बीट्स में हमेशा चाहे अप करे चाहे डाउन करे इंडेक्स फिंगर का यूज होगा. माइनस फोर, माइनस फोर तो नहीं कर सकते तो माइनस फोर मीन्स फोर का फ्रेंड वन, वन अप एंड फाइव अप. अप अप की पोजीशन बनती है माइनस में. प्लस थ्री, थ्री बीट्स हमारे पास है, थ्री बीट्स डायरेक्टली, माइनस वन डायरेक्टली. आंसर क्या आया? थ्री. नेक्स्ट, नेक्स्ट हम करने से पहले टूल को क्लियर करेंगे. मेक फोर, फोर बीट्स अप. अगेन प्लस फोर, लेकिन बीट्स तो है ही नहीं तो फोर का फ्रेंड देखेंगे. फोर फ्रेंड इज वन. एड कर रहे हैं तो एड में मूवमेंट क्या होती है? डाउन डाउन. फाइव डाउन एंड वन डाउन. फोर का फ्रेंड वन आया तो वन डाउन करेंगे. माइनस फोर, माइनस फोर तो है ही नहीं तो फिर क्या करेंगे? इसमें माइनस है तो फोर का फ्रेंड वन, वन अप एंड फाइव अप. प्लस टू, टू बिट्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो टू का फ्रेंड क्या होता है? थ्री. अब प्लस में मूवमेंट क्या होती है? डाउन डाउन. फाइव डाउन एंड थ्री डाउन. ठीक है, आंसर क्या है हमारे पास? सिक्स. आई थिंक समझ में आया होगा. फिर से नेक्स्ट हम करने से पहले टूल को क्लियर करेंगे. थ्री सब, नाइन माइनस थ्री माइनस थ्री माइनस थ्री. मेक नाइन. अब दोनों बीट्स को अपर और डाउन दोनों बीट्स को यूज करते हैं तो पिंच इन. माइनस थ्री, थ्री बीट्स डाउन. अगेन माइनस थ्री, लेकिन माइनस थ्री तो नहीं कर सकते हम तो थ्री का फ्रेंड क्या होता है? थ्री फ्रेंड इज टू. माइनस में पोजिशन क्या चलती है? अप अप. टू अप, टू में हम थंब का यूज करेंगे. एंड फाइव अप. अगेन माइनस थ्री, वन थ्री रह गया तो आंसर क्या होगा? माइनस थ्री. आंसर क्या है हमारा? जीरो. ठीक है, नेक्स्ट सम. मेक वन प्लस फोर, फोर बिट्स नहीं है तो फोर का फ्रेंड देखेंगे वन. अब प्लस वन है तो फाइव कॉम्प्लीमेंट पॉजिटिव वाला लगेगा. फाइव डाउन वन डाउन. प्लस थ्री, थ्री बिट्स अप. माइनस थ्री, माइनस डाउन. माइनस वन, वन बिट्स हमारे पास नहीं है तो वन का फ्रेंड देखेंगे फोर. अभी माइनस में है तो माइनस में हैंड मूवमेंट क्या होती है? अप अप. फोर अप एंड फाइव अप. आंसर क्या आया? फोर. नेक्स्ट हम करने से पहले टूल को क्लियर करेंगे. मेक थ्री, थ्री बिट्स अप. थंब का यूज किया. प्लस टू, टू बिट्स नहीं है तो टू का फ्रेंड क्या होता है? थ्री. पोजिशन क्या बनती है हमारे हैंड की? डाउन डाउन. फाइव डाउन एंड थ्री डाउन, क्योंकि टू का फ्रेंड थ्री होता है तो फ्रेंड को ही तो डाउन करते हैं. माइनस वन, वन बीट्स नहीं है तो वन का फ्रेंड फोर. अभी माइनस वाला है, माइनस में क्या हैंड मूवमेंट बनती है? अप अप. फोर अप एंड फाइव अप. माइनस टू, टू बीट्स डाउन. आंसर विल बी टू. ये थे हमारे क्या? सिक्स सब. ठीक है, मे बी डाउट किसी को भी, किसी टाइप का भी डाउट होगा कि फाइव, माइनस फाइव कॉम्प्लीमेंट कहाँ यूज होगा और प्लस फाइव कॉम्प्लीमेंट कहाँ यूज होगा, तो इस वीडियो के द्वारा आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, मुझे तो ऐसा लगता है. अगर नहीं होते हैं फिर भी तो आप मेरे को कमेंट करें. नेक्स्ट चीज, प्लीज हाथ जोड़कर विनती है मेरी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. इतना तो बनता है, मैं भी आपके लिए मेहनत कर रही हूँ तो प्लीज मेरी मेहनत का कुछ तो फल आप भी दो मेरे को. ठीक है, हाँ अच्छी नहीं लगती है तो बेशक ना कर, ठीक है, लेकिन अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.